वहीं चश्मदीदों से इस पूरी घटना की जानकारी ली इंडिया वॉइस संवाददाता प्रवीण कुमार ने। वहीं स्थानीय पार्षद परमजीत सिंह राणा भी आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और होटल में फंसे लोगों को उन्होंने बाहर निकालने में मदद भी की है। सुनिए क्या कहना है लोगों का। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे थोड़ा देर पहले ही एक लेडी ने अपने बच्चे के साथ जंप मार दी लोगों के कहने पे और वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हुई। पर मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड भी एक घंटा लेट पहुंची है और सारा सिस्टम जो हमारा वो क्लैप्स था। होटल में भी जो फायर के एग्जैक्ट साइड वो भी बंद थी और रास्ता निकलने का नहीं था और जैसे ही आग बढ़ती बढ़ते ऊपर तक गई और जैसे मैं जब यहाँ पहुँचा तो जो लोग अंदर थे उनसे पता लगा ये होटल में जो घटना घटी है। होटल में चश्मदीद मौजूद है, वो खुद दो लोग ऐसे हमारे साथ हैं कि जो चौथे फ्लोर पे थे, इनसे जानते हैं पूरी घटना क्या थी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गुवाहाटी असम। कब से यहाँ रुके हुए थे इस होटल में? मैं परसों आया था रात को। कितने बजे पता चला गया कि होटल बिल्डिंग में आग लग गई है, कुछ इमरजेंसी? ये हम लोग को करीबन सुबह 4 बजे करीब रूम के अंदर जब धुआं घुसने लग गया तो सफोकेशन हुआ तो हमने देखा कि ऊपर मतलब टेरेस पे और थर्ड फ्लोर पे बहुत जोर से आग लगी हुई है। तो ये आग करीबन 2 बजे से लगी हुई थी जिसकी वजह से, और कोई भी होटल का कोई भी एक बंदा आके हमको ये नहीं बोला कि आप लोग बाहर आ सकते हो। वो लोग सब नीचे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। फायर को फ़ोन किया, फायर भी बहुत लेट से आई। करीबन हम 1.5 घंटे वहीं रूम के अंदर में, और रूम के अंदर में इतना धुआं था सफोकेशन से एकदम अंदर में कार्बन घुस गया। अंदर के हालात बताइए, जिस समय आपको लगा कि कुछ इमरजेंसी हो गई है, हालात बिगड़ चुके हैं, किस तरह की अफरा तफरी थी और कैसे आपने अपने को सुरक्षित किया उस समय? सुरक्षित कुछ भी नहीं किया, सुरक्षित करने के लिए कुछ था ही नहीं क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे थे हम लोग। तो फोर्थ फ्लोर से या तो हम नीचे कूद सकते हैं या फिर आग में जल सकते हैं, और उन दोनों के बीच में हमारे पास धुआं था तो उससे हमारा ऐसे ही सफोकेशन से हालत ख़राब थी और दरवाज़ा खोलते ही हम कहीं नहीं निकल सकते थे। कोई एग्जिट तो इस होटल में एग्जिट बोल के कुछ है नहीं। यानी कि पूरे समय आप जैसे तैसे कमरे में ही रहके कमरे टॉवल है ना, एक दो टॉवल पानी में रखकर उसको नाक में से रख लेते हैं, सफोकेशन बने कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब कि कुछ जो समझदारी वाली बात थी शायद उस वजह से आप लोग की जान सुरक्षित बच पाई। वो तो है, लेकिन एक बात मानना ही पड़ेगा, वो लोग जो फायर वाले है ना, वो जो क्रेन आ गया ना, सो क्रेन आ गया वो लोग तो बहुत बड़ा। तो इन लोगों ने तो अपनी जान बचा ली लेकिन 17 लोग जिंदा जल गए, एक बड़ी लापरवाही भी है। बहरहाल इसके साथ 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इंडिया वॉइस, आपकी सोच आपकी आवाज।